मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिन्होंने पटना में श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया और गांधी मैदान स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने बिहार के लोगों को एमपी में आने का न्योता दिया। मोहन यादव ने कहा कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं, लेकिन नेताओं की वजह से बिहार का विकास अटका पड़ा। बिहार दौरे के उनके मायने निकाले जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि यादव वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी की तैयारी में और उनके दौरे को इसी से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश की धरती पर आए तो शांतिवन आश्रम वही है जहां उनकी शिक्षा दीक्षा हो, तो उनके शिक्षा दीक्षा के पाठ्यक्रम को सबके सामने लाते हुए जहां जहां उनके चरण पड़े प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे, हमारे पूरे समाज को प्रेरणा मिले, इसलिए उस चीज को जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी निमंत्रण है, आप कभी भी आए मध्य प्रदेश में आए, अपने किसी प्रकार के व्यवसाय को करना व्यवसाय करें, आपको स्थायी बसना स्थायी बसे, परमात्मा करे आपको अपने अपने ढंग के जो जो आपके हिस्से वो सबकी प्राप्ति हो। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बिहार दौरे पर वहां की सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि बिहार में सभी प्रकार की अनुकूलता है, बिहार की प्रतिभा में सभी प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई हैं, बस कमी है तो नेतृत्व की, नेताओं की वजह से हमारा ये राज्य अटक रहा है। बिहार के स्वभाव में, बिहार की मानसिकता में, बिहार की प्रतिभा में सब प्रकार की संभावना छिपी हुई है, कमी है तो केवल लीडरशिप की, और लीडरों के कारण से ये हमारा राज्य अटक रहा है, रुक रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर ठीक से प्रयास करेंगे तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार के लिए माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, सबका बहुत आगे ले जाने का आग्रह भी है, लेकिन थोड़ी लीडरशिप की कमी है। एमपी में मोहन सरकार की टैगलाइन पर सियासत गर्मा गई है। राम राज्य के साथ मोदी गारंटी को भी टैगलाइन में जोड़ दिया गया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का चुनावी मुद्दा बता दिया है। अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी उत्साहित है। इस बीच मोहन सरकार की नई टैगलाइन राम राज्य बनेगा हमारी पहचान, मोदी जी की गारंटी का परिणाम भी आ गया है। टैगलाइन में पीएम मोदी की गारंटी के साथ ही अयोध्या में वादा पूरा करने का भी जिक्र है। राम राज्य लाने की बात भी कही जा रही है। अब इस टैगलाइन पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। जो सरकार या जो विचारधारा विकसित संकल्प भारत यात्रा निकाल रही है, उससे ज्यादा शर्म क्या हो सकती है कि 1,40,00,000,00,000 के देश में 85,35,00,000 लोगों को मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है। तो आप इसे समझ जाइए कि जब देश की आधी आबादी सरकार मुफ्त अनाज के रूप में यह दर्शा रही कि गरीब है, तो कौन सा आत्मनिर्भर भारत हुआ है? तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या मोहन यादव जी हो। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया, साथ ही कहा सुशासन और सुराज ही राम राज्य है जिसे बीजेपी ने स्थापित किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप लगाए। नया विषय नहीं, हमारी संविधान की मूल प्रति पर भी है, पर ये जो नेहरू की कांग्रेस थी उसने तुष्टिकरण की राजनीति के लिए इस देश को राम से दूर करने का जो प्रयास किया, अब सारे षड्यंत्र दूर हो रहे हैं और मोदी जी के डबल इंजन की सरकारों में राम राज्य की जो कल्पना है वो साकार हो रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गारंटी पर मोदी की गारंटी इस कदर हावी पड़ी थी, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे। अब जबकि अयोध्या में बीजेपी अपना एक और वादा पूरा करते दिख रही है, कांग्रेस के लिए ये सियासी तौर पर स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। जाहिर है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस इस मसले पर बैकफुट पर दिखेगी। कांग्रेस पार्टी डोनेशन कैंपेन चला रही है, लेकिन कैंपेन से कांग्रेस के पदाधिकारी जुड़ नहीं रहे। बीजेपी इस मसले पर हमलावर है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि डोनेशन देने की अवधि तय नहीं है।
कांग्रेस ने हाल ही में डोनेशन कैंपेन शुरू किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस कैंपेन को कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही है और कई पदाधिकारियों ने अब तक डोनेशन नहीं दिया है। महीने भर के अंदर सिर्फ 73,24,000 रुपए ही पार्टी फंड में आए हैं। यही नहीं, ज्यादातर विधानसभा प्रत्याशी, विधायक और जिला अध्यक्षों ने अपना अंशदान नहीं किया। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पदाधिकारी पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है। कांग्रेस ने डोनेशन ड्राइव चलाया, उन्होंने एक बार कोड जारी किया, बार कोड में फर्जीवाड़ा हुआ, वो किसी दूसरे खाते में पैसा जाने लगा और ये बात मीडिया ने उजागर की। तो जो खुद के खाते, खुद की कोठी, खुद के बंगले बनाने में लगे रहते हैं, वो अपनी पार्टी की चिंता कभी कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी स्वभाव में पार्टी संगठन कहीं है ही नहीं। उधर डोनेशन देने की कंजूसी के सवाल पर कांग्रेस ने बचाव किया। के मिश्रा ने तर्क दिया कि डोनेशन देने के समय सीमा तय नहीं है, ऐसे में जल्द बाकी पदाधिकारी डोनेशन दे देंगे। कंजूसी नहीं है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने किस पदाधिकारी का कितना अंशदान होगा वो सुनिश्चित कर दिया है, मगर उसकी कोई सीमा नहीं है कि कब तक जमा कराना है। तो जो उस क्राइटेरिया में होने तो जमा कराना ही है और वो सब कराएंगे ही। कांग्रेस के डोनेशन ड्राइव पर सवाल के साथ ही सियासत भी हो रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर गुटों में बटे होने के साथ ही समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी के भी आरोप लगने लगे हैं। भोपाल में राम मंदिर सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जहां पर लोग परिवार के साथ आकर सेल्फी ले सकते हैं। इस मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पूरा देश राममय है। राजा भोज के शहर में भी मंदिर का मॉडल बनाया गया। परिवार के साथ आइए और खुशियां मनाइए। राम मंदिर को लेकर जिनको पीड़ा है वो आने वाले 10-12 साल और रहेगी। राम सबके थे और रहेंगे। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भोपाल में ऐसी भव्य दिवाली होगी जिसे लोग देखते रहेंगे। देश राममय हो रहा है जी, पूरा देश राम में, पूरा विश्व राम में, सिया राम में सब दूर है। जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, राम धुन हो रहे हैं, अखंड रामायण हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव और आनंद मनाया जा रहा है। उसी की भव्य और दिव्य राम मंदिर जो 22 तारीख को अवध की भूमि पर राजा राम जिसमें प्रवेश करेंगे, जहां प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संत महंत और धर्माचारी और कार सेवक सब लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में वो आयोजन होने वाला है, लेकिन हमने राजा भोज की नगरी में एक मंदिर की कृति बनाकर तैयार की है कि हम चाहते हैं कि राजा भोज की नगरी के लोग भी आएं, अपने परिवार से आएं और मंदिर के साथ सेल्फी खिंचवाएं और वो सेल्फी पोस्ट करें और संदेश दें सबको, राम की मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं दें, मिठाइयां बांटो, आतिशबाजी चलाओ, जय श्री राम का धुन गाजाओ, क्योंकि बहुत दिन बाद 500 साल बाद ये दिन हमको मिले हैं। ये दिन को भूलना नहीं, दिन को खोना नहीं, उन कार सेवकों को, उन महंतों को, उन धर्माचारियों को याद रखना जिनने राम मंदिर के लिए संघर्ष करके प्राण दिए हैं, उन पर पुष्पांजलि करेंगे और राजा राम के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में आनंद से जिएंगे। और इसलिए हमने सेल्फी पॉइंट बनाकर भोपाल में ये तैयार किया है। भोपाल की क्या तैयारी दिवाली मनने वाली? भोपाल में इतनी विशाल और भव्य दिवाली होगी कि लोग देखते रहेंगे। ये दिवाली मुख्य दिवाली से भी बड़ी होगी, क्योंकि ये राम दिवाली है। हालांकि वो दिवाली भी त्रेता में राम के वनवास लौटने के बाद हुई थी अयोध्या की धरती में, लेकिन ये 500 साल बाद राम भक्तों की प्रतीक्षा की दिवाली है। कोई चौराया, कोई घर नहीं होगा जहां आतिशबाजी और ज्योति ना जले। तो बिल्कुल भव्य राम दिवाली मनेगी भोपाल में भी। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और उधर बीजेपी के सेल्फी पॉइंट पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी के पास कुछ काम नहीं है, इन्हें हमारी धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करने की जरूरत वरना नहीं पड़ती। 22 तारीख के बाद ऐसे कई स्मारक कहां जाएंगे कुछ पता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ काम ही नहीं है। यदि देश आत्मनिर्भर हो गया होता, विकसित भारत हो चुका होता, जो इनकी संकल्प यात्राएं निकल रही हैं, तो इन्हें हमारी धार्मिक आस्थाओं और महाप्रभु श्री राम के आदर्शों का दुरुपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं ऐसा मानता हूं कि 22 तारीख के बाद ऐसे कई स्मारक कहां जाएंगे भाजपा भी उसका उत्तर नहीं दे सकती है।
स्कूली बच्चों को तनाव से दूर रखने के लिए मोहन सरकार मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों का अब सहारा लेगी। इसे लेकर शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति की बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दरअसल बच्चों को निराशा के भाव से दूर रखा जाए, इसे लेकर विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि भारत की प्राचीन परंपरा बताने से बच्चों में देश के प्रति सम्मान और अधिक मजबूत होगा। इंदौर में चोरी के आरोपी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। पुलिस कस्टडी में आरोपी ने जान देने की कोशिश की। इस दौरान जब पुलिस ने उसे रोका तो झड़प उससे हो गई। आरोपी ने पुलिस पर फंसाने के आरोप लगाए और हंगामा भी कर डाला। चलिए बात करेंगे अनोखी चोरी की। चोर सोने चांदी रुपए जेवरात सब कुछ चुराते हैं, लेकिन कभी आपने क्या सुना कि मुर्गियों की चोरी हो रही हो? और धार में ऐसा ही मामला सामने आया। मुर्गियां चुराने के लिए पूरे 15 चोर पहुंचे थे, तीर कमान साथ में था, पोल्ट्री फार्म पर धावा बोला और 60 मुर्गियां पार कर दी। देखिए चोरों की पूरी फौज तैयार, तीर कमान हथियारों से लैस, इनका निशाना रुपए पैसे सोना चांदी नहीं, मुर्गियां हैं। जी हां, मुर्गियां। मामला धार का है। यहां पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों की चोरी हो गई। चोरों के लिए ये मिशन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुर्गियां पार करने के लिए पूरे 15 चोर पहुंचे थे। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीरें देखिए कैसे चोरों ने पोल्ट्री फार्म पर धावा बोल दिया। चोर पहले पोल्ट्री फार्म का गेट तोड़ते हैं, फिर पोल्ट्री फार्म के अंदर जाते हैं और उसके मुर्गियां उठाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। 60 सेकंड से भी कम वक्त में चोर 60 मुर्गियां पार कर देते हैं। मुर्गियों के साथ पोल्ट्री फार्म में रखे इलेक्ट्रॉनिक कांटे को भी चोर उड़ा ले जाते हैं। ये मुर्गियां किसी बड़े दावत के लिए चुराई गईं या इन्हें बेचकर माल कमाने के लिए, ये तो चोरों के पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस घटना से सभी हैरान हैं। कीमती सामान को तो तिजोरी में रखा जा सकता है, लेकिन मुर्गियों को कहाँ रखें? क्या मुर्गियों पर भी पहरा बैठाना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अब बात करेंगे एक ऐसे किलर की जिसके